है गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि डीबीटी जेआरएफ ने अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक विजिट नहीं किया है डीबीटी जेआरएफ की वेबसाइट पर, वो वेबसाइट पर विजिट कर ले, अपने स्कोर कार्ड को देख ले और अपने लिस्ट को देख ले कि क्या वो कैटेगरी वन या कैटेगरी टू में सेलेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा कि वेबसाइट पे जाइए आप लोग और वहाँ पे लॉगिन करिए अपने कैंडिडेट जो लॉगिन जिसे पहले आपने लॉगिन किया था एडमिट कार्ड एंड उस वगैरह के लिए। तो आप क्या करिए, उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है डीबीटी जेआरएफ जो आरसीबीएस की वेबसाइट से। तो आरसीबी वाले वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे कि सर्च करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे वैसे भी होम पेज पे आपका स्कोर कार्ड के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बट कैटेगरी क्वालिफाइड के लिए ये आपके होम पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लॉगिन करें, बट कैटेगरी वन कैटेगरी टू अभी उसमें आपको दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से चीज़ें दिख जाएंगी। सो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और पीडीएफ में अपने नाम को सर्च कर लीजिए कि क्या आपका नाम है कैटेगरी वन या कैटेगरी टू में कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका नाम होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, ताकि आप अगली तैयारी के लिए लग जाएं। ठीक है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। कई ऐसे लोग होंगे, जैसा कि मैं बहुत पहले भी कहा था और बार बार कहा था, कट ऑफ हाई होगा। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और वैसा हुआ भी ऑलमोस्ट, जो इन्फॉर्मेशन या जिस तरीके से अभी पता चल रहा है, कट ऑफ डिसाइडेड तो नहीं एग्जैक्टली, बट मोर और लेस इट इज़ 235 to 240 कट ऑफ फॉर द कैटेगरी वन एंड 230 फॉर कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 235 to 240 के आसपास है और कैटेगरी सेकेंड के लिए 230 के आसपास है, 230 to 235। सो ये चीज़ जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 300 में से करीब 230 या 240 का कट ऑफ। इट इज़ समथिंग दैट ऑलमोस्ट 80%, 240 इज 80% ऑफ दैट पर्टिकुलर कट ऑफ। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द ह्यूज कट ऑफ इन द एनी एग्जामिनेशन टिल नाउ इन द CSIR और इन द लाइफ साइंस कैटेगरी, नॉट CSIR, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी, चाहे ICMR की बात करें, आपके CSIR की बात करें। इससे पहले DBT के भी इतने कट ऑफ नहीं गए थे। सो इस बार वन ऑफ द बिगेस्ट कट ऑफ या वन ऑफ द हाइस्ट कट ऑफ जो है वो गया है DBT JRF के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ लर्नर्स जो भी SLA से जुड़े हुए थे या मुझसे जुड़े हुए थे किसी भी प्लेटफॉर्म पे और मुझसे पढ़े हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, चाहे कैटेगरी वन में कैटेगरी टू में। और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भी दूंगा मैं, डोंट वरी गाइस। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि वैसे तो DBT JRF ने ये बताया कि 250 ऑलमोस्ट जो होंगे कैटेगरी 275 जो होंगे वो आपके कैटेगरी वन के लिए क्वालिफाइड होंगे और 100 या 125 जो होंगे वो आपके कैटेगरी टू के लिए होंगे। लेकिन अगर आप लिस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 बच्चे जो हैं कैटेगरी वन में हैं। तो ये दर्शाता ये है कि मे बी, कई लोग ऐसा ना समझे या मे बी आई डोंट नो एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी, बट मोस्ट प्रोबेबली यही है कि मे बी द सीट इज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि उससे ज़्यादा कट ऑफ हाई करना शायद इनके लिए पॉसिबल नहीं था या बच्चे रिड्यूस हो जा रहे थे। सो दैट्स वाई मे मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल यही है कि शायद जो है सीट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, लाइबिलिटी दी गई है। तो मे बी इस बार शायद 400 बच्चे जो है आसपास कैटेगरी वन के JRF अवेल करें DBT, जैसे कि पहले 275 करते आए थे। और ये सजेशन उन लोगों के लिए है जो कि DBT JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कैटेगरी टू या कैटेगरी फर्स्ट में। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अभी भी मौका है, आप लोगों को यहाँ पे सुधर जाना है और अवेयर हो जाना है कि आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे CSIR या GATE, दोनों एग्ज़ाम को आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। आपके पास अभी भी मौका है, जो गलती आपने DBT में दोहराई वो गलती यहाँ पे नहीं दोहराइएगा, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लग चुका होगा बच्चे तो पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए और एफर्ट करिए, अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाइए, क्योंकि अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेके जाएंगे और मे बी अगर CSIR का पेपर भी थोड़ा सा लेवल का आ गया, मतलब थोड़ा सा स्लाइट ईजी आ गया,
तो बच्चे फोड़ देंगे, क्योंकि तो इतने दिनों से वो पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि उन्हें टेंशन ही नहीं भाई, इतना दिनों से मैप मेरे साथ कि और एजुकेटर के साथ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हताश होना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हताश नहीं होना नहीं है, यहाँ पे उठना है आपको, ठीक है। सो एक बार बार ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि चलती रहती हैं, उन्हीं में से एक छोटी सी लाइन अक्सर बोला करते हैं, लड़खड़ाए कदम जो कभी तो रुकना नहीं, आगे बढ़ता वही है जो लड़खड़ाने के बाद संभलना जानता है। मंजिल तक पहुँचोगे ये यकीन है मुझे भी तुम्हें भी, मंजिल तक पहुँचोगे ये यकीन है मुझे भी तुम्हें भी, जीतता वही है जो हजार बार हारने के बाद उठना जानता है, जीतता वही है जो हजार बार हारने के बाद उठना जानता है। ये ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इफ योर ड्रीम इज टू क्लियर द CSIR नेट लाइफ साइंस, आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4-year एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच, आई विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल द 13 यूनिट्स। माय कोर्सेज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट हैक्स एंड द स्टैंडर्ड books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.